नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में, आपके साथ आशुतोष आनंद। आज का दिन जो है क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारतीयों के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो है पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच है और हम गोड्डा के गांधी मैदान में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर गोड्डा ज़िला के कुछ युवा हैं और क्रिकेटर भी हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या जोश है, क्या उमंग है 4 साल के बाद फिर से पाकिस्तान के साथ मैच और कई तरीके की बातें सब। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि हिंदुस्तान के लिए एक बार जोर से नारा लगाया जाए, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। क्या लगता है कि आज के मैच में क्या होने वाला है? सबसे पहले आप बताइए, इंडिया जीतेगा आज के मैच में? कंफर्म। कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? विराट कोहली। विराट कोहली, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए भैया, लगने वाली कोई बात ही नहीं है, होता है ना, तो इंडिया ही बिल्कुल बिल्कुल एकदम 110% है कि इंडिया ही जीतेगा। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट मारेगा आज। विराट मारेगा, कंफर्म है कि विराट मारेगा एकदम आज मारेगा, और नॉट आउट रहेगा, क्योंकि नॉट आउट रहा है तीनों बार, इस बार भी नॉट आउट रहेगा। तीनों बार नॉट आउट रहा है, लेकिन इसलिए इस बार भी नॉट आउट, एकदम नॉट आउट रहेगा। कितना रोमांचक मैच होगा? रोमांचक तो हमको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इस बार वन साइडेड मैच हो सकता है, कंफर्म है कि वन साइडेड बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम लोग रोमांचक मैच देखना पसंद करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत वो लोग भी पीछे आ जाए। बराबरी में तो पीछे कम से कम आवे तो मजा लगेगा, ऐसे तो टीवी नहीं ना टूटेगा फिर। मतलब आप देख सकते हैं कि युवा जो है टीवी टूटने का इंतजार कर रहे हैं, मौका मौका मौका। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं में अभी से जुनून है, अब से कुछ ही देर के बाद जो है क्रिकेट प्रारंभ होने वाला है। टीवी तोड़ने का मौका, अगले 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 टीम को चाहिए टीवी तोड़ने का मौका। मौका तो समझ सकते हैं, 4 साल बाद फिर से जो है T20 का विश्व कप होने जा रहा है। आज जो है 7:30 बजे से इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच है। यहाँ पर कुछ और भी युवा है, क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी, क्या लगता है क्या होगा आज? आज इंडिया जीत जाएगा, अब विराट कोहली फॉर्म में रहेगा। सिर्फ विराट कोहली फॉर्म नहीं, नहीं, बात बाकी केएल राहुल भी संभालेगा। हाँ, लेकिन विराट कोहली का कड़ा फॉर्म रहेगा। आप क्या कहेंगे? इधर बुमराह अच्छा बॉलिंग करेंगे। बुमराह, हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा तो विराट कोहली है। विराट कोहली है, आप क्या कहेंगे? बस रोहित शर्मा देगा। रोहित शर्मा के फैन है? हाँ। विराट के साथ इस बार धोनी भी पीछे से है ना, मेंटर, तो डबल डोज मिलेगा इस बार। भी मारेगा आज। पांड्या बहुत अच्छा खेलेगा आज। पांड्या भी बहुत अच्छा खेलेंगे, और ये लोग बता रहे कौन कौन फॉर्म है, क्या कहिएगा? कहना क्या है इसमें, वन साइडेड मैच, सब जानता है भारत हमेशा जीते आया, 5 बार पाकिस्तान को हराया है, तो भारत ही इस बार जीतेगा। इस बार भी भारत ही जीतेगा एकदम श्योर है। हाँ, और इस बार हमारे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी है इसमें, तो सबसे ज्यादा विकेट मुझे लगता है कि आज के मैच में वही लेंगे। आप देख सकते हैं कि आज का जो माहौल है वो काफी कहा जाता खतरनाक होने वाला, सभी अपने मोबाइल से चिपके रहेंगे तो कोई टीवी से चिपके रहेंगे, मतलब हर एक जगह आपको क्रिकेट का माहौल दिख जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि युवा में काफी क्रिकेट का माहौल है, और आज ही यहाँ पर सुबह मैच हुई है। कौन कौन सी टीम में मैच हुई बता सकते हैं? मैच हुआ तो पहला मैच था हमारा सुबह ज्ञानस्थली और भारत भारती के बीच, जिसमें कि ज्ञानस्थली हार गए तो भारत भारती जीता था, और दूसरा मैच जो था वो बिरसा मुंडा और प्लस टू के बीच हुआ था, जिसमें प्लस टू जीत गया था। जीत गया है, तो क्रिकेट का खुमार आज सुबह से ही गांधी मैदान में सर चढ़ कर बोल रहा है, और अब जो है सबके घर पर सर चढ़ के बोलेगा। अच्छा, आप लोग कहाँ देखने वाले हैं क्रिकेट? हम लोग तो घर पे देखेंगे। घर पे देखेंगे? हम लोग सब एक जगह अरेंज हो रहे हैं, और कम से कम 3.5 घंटे का प्रोग्राम है कि उठ के वहाँ से जाना ही नहीं है। के जाना भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैच तो पूरा देख के ही उठना है। आप देख सकते हैं कि युवाओं में काफी टसन है अभी से, एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है तमाम युवा जो है अभी से ही उत्साहित है, 7:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, और उम्र बताने की जरूरत नहीं है, आप देख के समझ सकते हैं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हेमचंद्र जी हैं, क्या कहिएगा आज के मैच के बारे में? लोगों में उत्साह है, दर्शक सिर्फ वो ही नहीं जो कि बराबर क्रिकेट प्रेमी हैं या रेगुलर खेल से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी उत्साहित होते हैं जब पाकिस्तान के साथ होता है मैच, चाहे किसी भी तरह का, तो उसको लेकर के आम लोगों में भी उत्साह है, चर्चा है कि भाई आज मैच देखना है। कई लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया कि भाई आ जाओ मैदान में, बोला नहीं आज तो भारत पाकिस्तान का मैच है। खेल कोई भी हो,
उसको बड़ा महत्व तो देना ही चाहिए। लेकिन हमको एक चीज़ हमेशा लगता रहा है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि भाई अन्य देशों के साथ भी हम खेलते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को लेकर के हम इतना एक्टिव क्यों हो जाते हैं कि मुझे पाकिस्तान के साथ है, भारत का रही देश की बात, तो हर लोग चाहता है कि हमारा देश जीते, हमारे खिलाड़ी जीते, उससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है दुनिया में। लेकिन एक इस चीज़ को लेकर के हम थोड़ा सा ऐसे ये रहते हैं कि आप किसी भी देश के साथ खेलो, कहीं भी खेलो, खेल को खेल के रूप में लीजिए, इसको ज़रूरत से ज़्यादा आप, हमको लगता है कि कहीं कुछ लोग ये कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ है। अच्छा एक बात और, अभी जो देख रहे हैं राजनीतिक जो माहौल अभी का जो दिख रहा है, कोई कई लोग कह रहे हैं क्रिकेट पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, तो कई लोग समर्थन में हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये तो सियासत की बात है, सियासतदान रोज हमारे बॉर्डर पे जवान मारे जा रहे हैं, हम रोज संघर्ष कर रहे हैं और आज नहीं वर्षों से कर रहे हैं, एक बड़ा बजट हमारा उसी पे जाता रहा है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ऐसा उत्साह हम दिखाते नहीं हैं। उत्साह हम दिखाते कहाँ पे हैं? क्रिकेट को लेकर के, कि नहीं होनी चाहिए और होनी चाहिए, तो ये विशुद्ध रूप से सियासत है और खेल को कम से कम इससे बाहर रखना चाहिए, क्योंकि खेल और कला जगत से ही जब भी कोई बात हुई है, जब भी देश के साथ बहुत बुरी स्थिति बिगड़ी है एक दूसरे देश के साथ, तो वहाँ कला और खेल प्रेमियों का ही सहारा लेकर सरकार ने जो है वो बीच का रास्ता निकाला है, एक जो है संबंध को सुधारा है। लेकिन अगर खेल को भी आप, कला खेल को भी आप देखेंगे कि फिर सियासत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर छोड़िए, खिलाड़ियों पर छोड़िए, उससे जुड़े लोगों पर छोड़िए, लेकिन है क्या कि हमारे यहाँ खेल से ज़्यादा बयानवीर हैं और उनको इसी बहाने लगता है कि कुछ बयान दे देंगे तो शायद हम नीति कुछ नीति हो जाएगा, कुछ चर्चा में होंगे, कुछ समर्थन में होंगे, कुछ देशभक्त कहलाएंगे, किसी को देश विरोधी कह डालेंगे, तो ये सियासत चलती आ रही है कि सरकारें कोई भी हो, कोई भी देश में सरकार बनी है और उससे जुड़े जो भी लोग हैं हमेशा धड़ा बटा हुआ है, एक पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना, खेल को खेल के रूप में लीजिए और खेलिए, जम के खेलिए, देश जीते, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब जमकर खेलिए, चाहे कुछ भी हो, जीतना है, देश को जीतना है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ खेल हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी भी देश के साथ हो, खेल को खेल के तरीके से देखना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस खेल में, और चाहे कुछ भी हो, जीतना हिंदुस्तान को चाहिए। तो हमारे साथ हेमचंद्र जी थे, और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मनीष जी है, मनीष जी से भी हम बात करेंगे। मनीष जी थोड़ा सा जरा क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है, मनीष जी क्या कहेंगे आज के क्रिकेट को लेकर? हाँ आशुतोष जी, क्रिकेट का माहौल तो ऐसे ही युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतादायक होता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच वो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। जैसे आप इस समय अगर गांधी मैदान आते तो युवाओं का भरमार लगा रहता है, ज़्यादातर क्रिकेट प्रेमी वो तो मैदान से प्यार ही करते हैं। अभी आप देख रहे हैं वो सब अपने अपने टीवी सेट के पास बैठ गए हैं, टीवी का अपडेट देख रहे हैं, न्यूज़ पे लगातार अपडेट आ रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा क्रिकेट को लेके प्रेम है, क्रिकेट को लेके उत्साह है। और उसमें भी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, जिसमें हमेशा माना गया पुराने समय से ही, जिस समय शोएब अख्तर की टीम हुआ करती थी और महेंद्र सिंह धोनी की, सचिन तेंदुलकर की टीम हुआ करती थी, तो आमने सामने की टक्कर होती थी, एक टीम में बॉलर बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे, पाकिस्तान टीम में, इंडियन टीम में बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे, तो वही टक्कर देखी जाती थी, जिसकी वजह से लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है, युवाओं में उत्साह रहता है इंडिया पाकिस्तान का मैच को लेकर, और काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ को एकदम ध्यानपूर्वक देखते हैं, और जब भी मैच होता है तो देखिए कुछ ना कुछ टूट फूट जाता है, राजनीतिक बयानबाजियां होती है, तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? नहीं आशुतोष जी, बिल्कुल खेल में इन ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, होता भी नहीं है, बहुत कम होता है, हज़ार में लाख में एक आधा केस ऐसा होता है। उत्सुकतावश जो आप जो देखते हैं कि टी वी टूटा, ये हुआ, लोगों में अपनी टीम के प्रति इतना समर्थन होता है, इतनी उत्सुकता होती है, जिसकी वजह से परिणाम आने के बाद वो अपने आप काबू नहीं कर पाते हैं, वो भी टीवी टूटना या ऐसी घटनाएं अब नहीं होती, बहुत कम होती हैं, और जो भी जहां होती है वो सारा समर्थन और उत्सुकतावश ही होता है, जिसको यह कहा जा सकता है, इसमें राजनीति पहलू या ऐसा कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि राजनीति अलग जगह है और खेल अलग जगह है। आप देख रहे होंगे गोड्डा में या झारखंड में भी खेल को, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, खेल कोरोना, पिछले कोरोना से 2 साल से लोग अपने घरों में पैक थे, कहीं ना कहीं खेल उनको बाहर लाएगा, उनके शारीरिक ऊर्जा में विकास करेगा, मानसिक विकास, चौतरफा मानसिक विकास होगा, जो कि अभी हाल देखा भी जा रहा है, गोड्डा में कई तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है, अभी लगातार इसी समय अभी करंट में आप देख रहे होंगे गोड्डा कॉलेज में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, गांधी मैदान में क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी पहल है कि वापस उस कोरोना की ज़बरदस्त थकान से निकल करके और वो फिर अपने जो मेन लीग है उस लीग में आ रहे हैं। आप देखें हमारे साथ मनीष जी थे, दैनिक
माफ कीजिएगा हिंदुस्तान के पत्रकार थे, इनका सोच किस तरीके से था ये आप देखें। अब हमारे साथ गोड्डा जिला के क्रिकेट संघ के सचिव जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्रिकेट को लेकर कि जिस तरीके से 7:30 बजे पाकिस्तान के साथ मैच होना है। आज बता दें कि इसी ग्राउंड से सबसे पहले सुबह समय में जिला स्कूल लीग का प्रारंभ हुआ था। हमारे साथ रंजन जी हैं, यहाँ पर जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। सबसे पहले तो आज इतना बड़ा आयोजन हुआ उसके लिए आपको धन्यवाद कि जिस तरीके से हर बार यहाँ क्रिकेट का आयोजन होता है सफलपूर्वक आप आयोजन कराते हैं, और उसके बाद आज 7:30 बजे पाकिस्तान का मैच है। पहला हम जानेंगे कि आज का कार्यक्रम किस तरीके से रहा और क्या कुछ रहा, ये पहले आप बताएं। आज हम लोग का सत्र 2021-22 का शुभारंभ हुआ और जिला स्कूल लीग का उद्घाटन आज हम लोगों ने किया है और यह मैच चलता रहेगा। इसके बाद बी डिवीज़न, ए डिवीज़न, GPL का आयोजन कराया जाएगा। GPL सुनकर ही गोड्डा ज़िला के नौजवानों के, क्रिकेट प्रेमियों के नस नस में जो खून है वो तेज़ी से दौड़ने लगता है, क्या लगता है GPL को लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह रहता है इस बार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से सभी कोई घर में थे और प्लेयर जो है खुलकर खेल नहीं पाए, तो क्या लगता है कि इस बार का GPL कुछ अलग होगा? जी ज़रूर अलग होगा, क्योंकि GPL का क्रेज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बढ़ा है, तो उम्मीद है इस बार और भी ज़्यादा भीड़ जमा होगी और सफलतापूर्वक हम लोग आयोजन करेंगे उसका। आज कौन कौन सी टीम जूनियर की खेली और कौन विजयी हुए? आज पहला मैच था ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल बनाम भारत भारती पब्लिक स्कूल, जिसमें कि भारत भारती की टीम विजयी हुई। दूसरा मैच था +2 हाई स्कूल बनाम बिरसा मुंडा पब्लिक स्कूल, जिसमें कि +2 की टीम विजयी हुई। आज पाकिस्तान का मैच है 7:30 बजे से, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आप लोग जिस तरीके से क्रिकेट प्रेमी हैं, पहले का उत्साह अब में कोई फ़र्क पड़ा है कि या फिर बरकरार है? फ़र्क तो बहुत पड़ा है, तो ये भारतीय टीम जो पहले खेलती थी, याद होगा आपको शारजाह में चाहे पाकिस्तान से बराबर हम लोग पहले हारते थे, और अभी रिकॉर्ड ये है कि वर्ल्ड कप में भारत 12 बार पाकिस्तान को लगातार हरा चुकी है और उम्मीद है आज 13वां नंबर आज लग जाएगा। मतलब 13वां नंबर लगने वाला है जैसे कि रंजन जी कह रहे हैं। रंजन जी, जिस तरीके से अब देखिए एक दौर हो गया है T20 का, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में ही मैच हुआ है, जिस तरीके से IPL हुआ है, IPL होके नहीं लगता है कि थोड़ा सा मैच का क्रेज जो है लोगों में कम हो गया है? जिस तरीके से पहले मैच हुआ करता था अब थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ, इसको आप कितना हद तक मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं, इंटरेस्ट तो है, ये हो गया कि T20 में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है पहले की तुलना में। पहले तो जैसे टेस्ट मैच का क्रेज़ था थोड़ा घटा है T20 के आने से, लेकिन T20 का क्रेज़ तो अभी काफ़ी बढ़िया है। T20 का क्रेज़ अभी भी बरकरार है, क्या लगता है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से मैच खेलने को लेकर कई विपक्षी दल हैं, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि ऐसा मैच नहीं होना चाहिए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या मैच होने से क्या दिक्कत हो सकता है? नहीं ये सोच तो गलत है, मैच तो होना ही चाहिए, मैच होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैच तो होना ही चाहिए क्योंकि ये खेल का चीज़ है, इसमें राजनीति को अलग रखना चाहिए खेल से। तो आप देख रहे थे हमारे साथ गोड्डा ज़िला क्रिकेट संघ के सचिव थे, उनका साफ साफ कहना है क्रिकेट होना चाहिए चाहे वो किसी भी शर्त पर हो, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जिसको कि लोगों से जोड़ता है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है, हार और जीत तो अलग बात है।